हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पहले हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रोइंग ऑफ लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल्स हैं और लाइट अगर इस पर फॉल होती है तो ये अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा और इस चारों तरफ के रिफ्लेक्शन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं, पहले आप यहां तक कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं टिंडल इफेक्ट। तो देखिए टिंडल इफेक्ट हम लोग को क्या बताता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मीन्स यहां से लाइट आ रही है और इसी पाथ में हम जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर अगर करें तो इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ध्यान से देखिए, जिस पाथ में लाइट आ रहा है उसी पाथ में अगर स्कैटरिंग हो रही है बाई स्मॉल पार्टिकल्स तो हम लोग इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल ने देखिए इसके साथ और कुछ चीजें डिस्कवर किया हुआ है। उन्होंने क्या बताया है कि व्हाइट लाइट जिसमें 7 कलर्स हैं वो किसी भी लिक्विड या गैस से अगर वो पास हो रहा है जिसमें कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले जो लाइट हैं वो ज्यादा स्कैटर होंगे एज कंपेयर टू लार्जर वेवलेंथ वाले लाइट के कलर्स। तो देखिए हम लोगों को पता है कि विवग्योर के अकॉर्डिंग रेड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। और हम लोग यहाँ पे ब्लू देख रहे हैं, ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू रेड। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होगा एज कंपेयर टू रेड कलर। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा कलर शॉर्टर वेवलेंथ सो इट स्कैटर इजिली। यहां तक कॉपी करें फिर अपन देखते हैं आगे की बात। देख रहे हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, बाकी किन्हीं भी चीजों पर डिपेंड नहीं करता, ना ही डेंसिटी पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पे भी ये डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये केवल और केवल डिपेंड करता है पार्टिकल्स के साइज पे। तो देखिए अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो कुछ और बिहेव करेगा, किस तरीके से करता है रिस्पॉन्ड, और बड़े पार्टिकल्स के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो हम लोग यहां पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एटमोस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो चूंकि इनकी साइज बड़ी होती है तो ये क्या करते हैं कि ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट इन एटमोस्फेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है उससे काफी बड़ा साइज होता है इनका, डस्ट पार्टिकल और वाटर का। इसलिए ये क्या करते हैं, when light coming from the sun hit these larger particles it get reflected and scattered differently in different directions. नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखाया है कि द डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय द डस्ट एंड वाटर पार्टिकल इन द सेम वे ड्यू टू दिस द स्कैटर्ड लाइट अपीयर व्हाइट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइज इसकी बड़ी है, लाइट यहाँ पे आएगा और ये जो विजिबल रेंज है लाइट का इसकी वेवलेंथ इसके डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट से छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सारे कलर्स स्कैटर होंगे और सारे कलर स्कैटर होकर वापस वो हमें क्या दिखेंगे, व्हाइट कलर में दिखेगा। मीन्स यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी उसका कलर अगेन क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा। तो इतना कॉपी करें फिर हम लोग देखते हैं कि टाइनी पार्टिकल से कैसे रिफ्लेक्शन होंगे, कैसे स्कैटरिंग होगी। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के पार्टिकल्स को जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे N2, H2, O2 etc. तो ये भी एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ सो दे अफेक्ट डिफरेंटली। ओके, द लोअर वेवलेंथ लाइट दैट इज ब्लू आर स्कैटर्ड मच मोर बाय द डिफरेंटली। देखिए मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि ये छोटे पार्टिकल्स हैं, कौन कौन छोटे पार्टिकल्स हम लोग यहां पे ले रहे हैं, N2, H2, O2 या फिर और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये काफी छोटे हैं होते हैं एज कंपेयर टू डस्ट पार्टिकल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करेंगे, ये सारे कलर्स को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, ये हर एक अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, अलग अलग तरीके से वहां पे स्कैटरिंग होगी। और जो लोअर वेवलेंथ वाले लाइट होंगे जिसको अपन ब्लू बोल रहे हैं,
ये क्या होगा, ये ज्यादा स्कैटर होगा। और ऐसा हमें किसने बताया था, ऐसा हमें टिंडल ने बताया था कि टिंडल इफेक्ट में हम लोग देख चुके हैं कि टिंडल ने बताया था हमें कि ब्लू कलर मीन्स जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं, कलर्स होते हैं, वो ज्यादा स्कैटर होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, सनलाइट को हम लोग बोल रहे हैं फॉल ऑन द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ एटमॉस्फेयर, इट इज नॉट स्कैटर्ड एज व्हाइट लाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे कलर्स स्कैटर नहीं हुए हैं जो कि आगे जाके मिलके व्हाइट लाइट बनाने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर्स अलग अलग तरीके से स्कैटर हुए हैं और ये व्हाइट लाइट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर स्कैटर्ड मेनली द लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विच हैज ब्लू शेड। ब्लू शेड वाले यहाँ पे होंगे। देखिए मैं यहाँ पे दो ही कलर्स की क्यों बात कर रहा हूँ, एक रेड की बात कर रहा हूँ, एक ब्लू की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रेड कलर और ब्लू कलर यही डोमिनेंट कलर्स होते हैं सेवन कलर्स में से। तो हम लोग यहाँ पे दो कलर्स की बात करेंगे, रेड और ब्लू। रेड जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ कम होती है, छोटी होती है। तो यहां तक कॉपी करें, फिर हम लोग देखेंगे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है और मॉर्निंग के टाइम पे ये रेड क्यों होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्यों हमें ब्लू दिखता है। तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले हम लोग अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूं। कि सिंस आवर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ओके, लार्ज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट लाइट जो कि अभी अभी हमने देखा, स्मॉल पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू लाइट ये भी अभी हमने देखा। अब क्या हो रहा है, सम ऑफ द ब्लू कलर्स स्कैटर्ड थ्रू दिस स्मॉल पार्टिकल्स एंड आवर स्काई अपीयर्स ब्लू। ये बात हम लोग को समझनी होगी कि क्या हुआ कि ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, यहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, यहां पे स्मॉल पार्टिकल्स थे, लाइट इस पे पड़ा, यहां पे स्कैटरिंग हो रही है और ये जो स्कैटर्ड लाइट है ये हमारे आंखों पे भी पड़ रहा है। और जैसे जो लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है हमें वही चीजें दिखती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ब्लू कलर स्कैटर होकर हमारे आंखों पे पड़ रही है और हम ऊपर अगर देखते हैं तो ये हमें पूरा का पूरा स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है। नोट में एक चीज लिख लीजिए कि इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर द स्काई अपीयर्स ब्लैक। कॉपी करें, अब हम लोग देखते हैं कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो देखिए ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ये अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन का पोजीशन कुछ यहां पे होता है और एज कंपेयर टू अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो सन का डिस्टेंस और यहां पे ऑब्जर्वर अगर है तो ये डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये डिस्टेंस। तो चूंकि लाइट काफी दूर से चल के आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो जाते हैं पहले ही और हमारे लाइन ऑफ साइट से दूर हो जाते हैं। काफी लाइन ऑफ साइट से दूर होने की वजह से हमें ये ब्लू कलर जो है स्कैटर हुआ है ये हमें दिखता नहीं है और हमारे पास ब्लू कलर फ्री एक लाइट पहुंचता है जो जो रेड कलर होगा और इस टाइम पे सन का कलर और स्काई का कलर ये हमें पूरा रेड दिखता है या ऑरेंज दिखता है। अब देखिए इस चीज को मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स में बताया है कि मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर स्कैटर्ड आउट एंड अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट। ओके, दूसरा पॉइंट है कि बिहाइंड मेनली रेड कलर इन द डायरेक्ट सनलाइट बीम दैट रीचेज आवर आईज एंड दस, लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, एंड दस स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये तीन पॉइंट में आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप अगर चाहो यहां पे डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम आपके आंसर को बूस्ट करेगा। और इस तरीके से हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट कंप्लीट किया। कॉपी करें।